हमारे उर्फ में सियासत का मफहम भी ग़लत समझा जा रहा खिलाफत का मफहम भी गलत समझा जा रहा पाकिस्तान की पाकिस्तानियत का मतलब भी ग़लत समझा जा रहा यानी तब ये सारे हालात हैं कि जो अवामी नुमाइंदे हैं वो भेड़ बकरियां बने हुए हैं तब यह है कि जो अदम एतमाद ला रहे हैं वो ख़ुद कितने अदम अतमाद के मुस्तक हैं ये लोग बारी बारी पाकिस्तान को लूटने वाले हैं क्योंकि इनमें कोई भी ऐसा नहीं कि जो सईदना सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तहों का अक्स जमील हो सईदना फ़ारूक आजम रदी अल्लाह तहु की सीरत का मुतवाला हो हज़रत सैदना स्स्मान गनी रदी अल्लाह तहु की तालीमत का पैकर हो हज़रत मौला अली रदी अल्लाह तालू के नक्श कदम पे चलने वाला हो जबकि शरीयत में तो इन लोगों को आइडियल करार दिया गया सियासत में खिलाफत में और निजाम चलाने के लिहाज से जब तक इनकी तालीमात के पाबंद लोग निजाम नहीं चलाएंगे उस वक़्त तक इस्लाह नहीं हो सकती क्योंकि मछली को पानी से दूर रखकर आप उसको और जो कुछ भी मुहैया करें उसके इस में कमी नहीं आएगी आप उसे कहें कि तुझे अच्छे शोकेस में रख देते हैं उसे कहें तू पानी ना मांग तुझे सोने की अलमारी में रख देते हैं तो मछली को ना सोने की जरूरत है ना शीशे की जरूरत है उसको पानी की जरूरत है और पानी दिए बग़ैर उससे ये तो रखना कि उसका इजतराब खत्म हो और ज़िंदा भी रहे तो ये हमाकत है या तो मर जाएगी या तड़पती रहेगी जब तक कि उसे पानी ना मिले तो पाकिस्तान की साख्त ही निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पानी के लिए ये मछली बनी ही इस मकसद के लिए है इसका गुजारा ही इसमें है इससे हटाकर इसे कोई वर्ल्ड आर्डर इजम कोई, कोई निजाम दिया जाए तो इसका इसतराब खत्म नहीं हो सकता यकीनन इसने कायम रहना है अल्लाह के फजल से इसने बाकी रहना है इसकी बका के लिए जो चीज लाजमी है वो वही नजरिया है जिसके पेश नजर इसे बनाया गया था जिस मकसद के लिए यह हासिल किया गया था उसके लिए आज हमें कौम को तैयार करने की ज़रूरत है यानी बाहिर ये जितने लोग असम्बली के अंदर खा वो इकतदार के बेंचों पर हैं या अपोजिशन के बेंचों पर हैं ये पाकिस्तान के मसले का हल नहीं ये सारे पाकिस्तान के लिए खुद एक मसला है इन में से हर बंदा एक बड़ा मसला है पाकिस्तान के लिए कि वो पाकिस्तान के ईवान में बैठा है और इस लायक नहीं कि वो पाकिस्तान के ईवान में होता वो उस ईवान में बैठा है जिसकी मिसाल एक मस्जिद जैसी है वो मस्जिद जिसको इमामत के लिए एक मुसले दरकार है एक वली एक रहबर कुरान और सुन्नत का एक आलिम और दीन मतीन पर मुकम्मल अमल करने वाला एक शरीयत का पाबंद वो दरकार है कि वो उस पार्लियामेंट में निजाम मुस्तफा अलैहि वसल्लम की जमात कराए तो जब जमात कराने के लिए उन्हें मुसल्लत किया जा रहा है जिन्हें सूरह इखलास भी नहीं आती जमात कराने के लिए उन्हें मुसलत किया जा रहा है जिन्होंने कभी मस्जिद का रास्ता ही नहीं देखा जमात कराने के लिए खा वो अपोजिशन हो खा वो इकतदार वाले हों सब एक ही थैली के चटे बटे हैं और एक ही थाली के बैंगन हैं और एक ही खोटे सिक्के के मुख्तलिफ रूप और रुख हैं इनका मकसद सिर्फ मफादात वो किसी तरीके से हासिल हों उन मफादत का तहफुज उनके लिए बारियाँ बनाना उनके लिए ताने देना उनके लिए इख्तलाफ करना उनके लिए मुतहद हो जाना उन मफादात के लिए कभी किसी को दुश्मन बनाना उन्हीं के लिए फिर उसको दोस्त बना लेना उन मफादात के लिए कभी किसी को गधा कहना उन मफादात के लिए फिर उस गदे को बाप कहना ये इन सब सबका मुश्तरका अमल है जिससे इनमें कोई भी मुस्तना नहीं और जो मजहब का नाम लेकर बैठे इनके साथ वो इनसे भी बदतर हैं, कि उन्होंने चलो ये तो है कि ये दुनियादार है ये गंदे हैं और वो दीन का नाम लेकर तजारत कर रहे हैं और दीन का नाम लेकर एक गंदी दुनियादारी कर रहे हैं तो पाकिस्तान की पाकिस्तानियत मुतालबा कर रही है अहल वतन से कि पाकिस्तान के निज़ाम की खातिर अमरीका बरतानिया कैमरेज एक्सफोर्ड वहाँ के कीड़े मकौड़ों की ज़रूरत नहीं पाकिस्तान का निज़ाम कुरान में है सुन्नत में है फिक इस्लामी में है सिर्फ़ अच्छे किरदार और अकीदा वाले लोग जो है, वो हैं वो दरकार हैं कि जो ये फैसले इस मुल्क में इस ज़मीन पर नाफ़िज़ करे